सलीम नगर में विकास के नाम पर घोटाला करने वाले घोटालेबाज अपनी आदत से बाज नहीं आए और सरकार के धन को डकारने में जुटे हुए हैं। वहीं शिकायत पर प्रशासन ने नकेल कसना चालू कर दिया। आपको बता दें, गांव के विकास के नाम पर आवंटित धन जब प्रधान व सचिव डकार गए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह गांव के विकास की जमीनी हकीकत कितनी अच्छी होगी। पूरा मामला सेवरिया विकास खंड के ऊंचाहारा कला का है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव के ही एक युवा ग्रामीण ने जिला अधिकारी से शिकायत की। डीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित करके रिपोर्ट की मांग की, जिस पर टीम के सतीश चंद ने जांच किया। इस दौरान ग्राम प्रधान और सचिन द्वारा आनन फानन में घटिया सामग्रियों से कुछ कार्यों को निर्माण कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वहीं जांच टीम के सामने ही घटिया दर्ज सामग्री का उपयोग निर्माण कार्य में चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार कुछ भी बोलने से कतराते हैं। इस दौरान पाया गया कि लगभग 50 लाख रुपए का घपला किया गया है। हालांकि जब मौके पर मीडिया कर्मचारियों ने जांच टीम से सवाल किया तो जांच जिलाधिकारी गोलमाल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएगा घोटाले का ये मामला। वे देखिए, ये उचारा कला में जिलाधिकारी महोदय संत कबीर नगर के आदेश के क्रम में हम आए हैं जांच करने, जिसमें मुख्य 4 बिंदु थे। मैं चारों बिंदु देखे हैं और दोनों पक्ष था, सचिव भी थे, संयोग से आज हमारे बीच हमारे एडीओ पंचायत साहब भी थे इस ग्राम सभा से संबंधित, और हमने वो जांच की है, देखी है, मौके को देखा है। सब मतलब गांव वाले भी थे, शिकायतकर्ता भी थे, ग्राम प्रधान भी थे, और चूँकि ये जांच रिपोर्ट हमको डीएम साहब को और डीपीआरओ साहब को देनी है, उन्हीं के आदेश के क्रम में है, तो जो भी हमको मिला है, जो अभिलेख हैं, जो मिला है अभिलेखों के अनुसार और मौके के अनुसार, वो जांच रिपोर्ट हम डीएम साहब को प्रस्तुत कर रहे हैं।